खबर जनपद चंदौली से है, जहां पर स्वाट टीम व जिला पुलिस ने लूट व हत्या मामले का पर्दाफाश करते हुए दो सादर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, बता दें कि स्वाट टीम व जिला पुलिस ने लूट व हत्या मामले का पर्दाफाश करते हुए दो सादर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया अपराधी 20,000 का इनामी व सुपारी किलर बताया जा रहा है। जो अपराधी पकड़ा गया है वह 20,000 का इनामी है और सुपारी किलर भी है। वाराणसी, जौनपुर समेत कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना नाम पता देवढिया जौनपुर निवासी ब्रजेश कुमार पटेल पुत्र स्वर्गीय रामाशंकर पटेल व संदीप यादव पुत्र रामजन्म यादव निवासी चौबेपुर वाराणसी बताया है। टीम में मिलकर एक साथिर अंतर जनपदीय अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो बिल्कुल नवोदित लुटेरा और हत्यारा है। इसका नाम संदीप यादव है, जो उगापुर गांव चौबेपुर का रहने वाला है। 2016 के लास्ट में इसके पिता की हत्या हुई थी। इसके बाद जिन लोगों ने हत्या की थी उस ग्राम प्रधान की हत्या करके तब से जनपद वाराणसी से फरार चल रहा था। हमारे यहाँ एक मोटरसाइकिल छीनने की घटना घटित हुई थी अक्टूबर महीने में। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग काम कर रहे थे तो जानकारी में आया कि एक ग्रुप है नया जो विकसित हो रहा है, वो इस समय वाहनों की लूट कर रहा है। उसी का पीछा करते हुए हम लोग इस तक पहुंचे थे और जब कल ही गिरफ्तार हुआ है तो इसके द्वारा ये जानकारी मिली कि ये जनपद वाराणसी में रेलवे गेट मैन की गोली मारा था, जिसमें उसकी मृत्यु नहीं हो पाई और सौभाग्य से वो बच गया। तो 307 का मुकदमा दर्ज है। अपने विरोधी का पीछा करते समय अभी 2-3 महीने पहले की घटना है, वो बता दिया गया है जनपद वाराणसी को। ये जा रहे थे, रेलवे गेट बंद हो गया और विरोधी जो है क्रॉसिंग को क्रॉस कर गया था। इन्होंने गेटमैन से गेट खोलने के लिए कहा, जब उसने गेट नहीं खोला तो उसको गोली मार दी। इसके पहले जनपद जौनपुर में मोटरसाइकिल लूट के चक्कर में इन्होंने एक मड़ियाहूं थाना क्षेत्र में हत्या की है और उसके पूर्व इन्होंने अक्टूबर नवंबर महीने में ही जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र में 2,00,000 रुपये लेकर के एक मुस्लिम युवक की हत्या की थी। इसने कुल कितनी हत्याएं की और कितने का इनामी है? इस पर जनपद जौनपुर की ओर से 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है पहले से और इसके विरुद्ध चौबेपुर में 302 का मुकदमा दर्ज है, चौबेपुर में एक 307 का मुकदमा दर्ज है और जनपद जौनपुर के नेवढ़िया थाना क्षेत्र में हत्या और लूट का मुकदमा है और इसके साथ ही रामपुर थाना क्षेत्र जनपद जौनपुर में हत्या का मुकदमा दर्ज है और अपने यहाँ जनपद चंदौली में मोटरसाइकिल लूट मामले। खबर जनपद हरदोई से है, जहां पर सड़क के किनारे टावर की बैटरी लेकर खड़े दो लोगों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं सरगना अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। मालूम हो कि बेनीगंज कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी विवेक कुमार वर्मा अपने हमराही सिपाही विपिन कुमार व कमलेंद्र त्रिपाठी सहित दलबल के साथ रात गश्त कर रहे थे। वहीं कोतवाली मेन तिराहे पर रात लगभग 10:30 बजे हुलासपुर चौकी की तरफ से जा रहे थे। वहीं चंद्रपाल सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह यादव निवासी जलालपुर थाना ठड़िया जनपद कन्नौज व रामराज पुत्र किशोरी लाल कुशवाहा निवासी शास्त्री नगर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात का रहने वाला है। गई 15 बैटरियां लाखों की कीमत के बताई जा रही है। एजे न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।